बेतिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नगर थाना के बड़ा रमना के पास कुछ बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 देशी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ लूट और तस्करी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। इन्फॉर्मेशन मिली कि बेतिया में बाहर से, बेतिया के आसपास के जिले से और नेपाल बॉर्डर से आए हुए कुछ अपराधी एक बड़ी कैश की लूट की योजना को वारदात देने वाले थे, अंजाम देने वाले थे। इस मामले में DSP सदर, SHO टाउन के साथ में एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 देसी कट्टों के साथ में 5 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, और जब इनसे फर्दर पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि एक बड़ी लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं, जिसमें ये बेतिया से ही और उसके आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिल्स, चोरी की मोटरसाइकिल इस्तेमाल करके कैश की लूट करते। इस तरीके से पुलिस को एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता। फिलहाल पुलिस आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में पता लगा रही है। आपको बता दें कि इन 5 बदमाशों में से 4 नेपाल के रहने वाले हैं और 1 बदमाश पूर्वी चंपारण का है। अब देखना होगा कि पुलिस अन्य बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।